हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूनम। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, आलू चटनी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो हमने ये सामग्री ली है, प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये पूरे सामग्री है मेरी जो आपने देखी होगी। तो अभी हम गैस जला लेंगे। कढ़ाई भी रख देंगे, ये तेल डाल देंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आपके पास सरसों का ऑयल हो तो वो ज़रूर डालें, उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अगर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकें। तो देखिए, मिर्ची है, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सामग्री है जो आपने देखी है। तो अभी हम डाल देंगे जीरा, मिर्ची, लहसुन डाल दी हमने। लहसुन अदरक डालने के बाद अभी हमने डाल दी प्याज। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर तक। हम इसे ज़्यादा नहीं जलाएंगे, टेस्ट अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला आधा स्पून, टेस्ट अनुसार मिर्ची ली थी हमने, हल्दी पाउडर आधा स्पून, आधे से थोड़ा कम है था, अभी इनको हम अच्छे से चला लेंगे। ये ऊपर से मैंने और थोड़ा प्याज धनिया डाल दिया है जले नहीं। तो मैंने ये आलू रखे हैं इस तरह से करके, मेरे आलू अच्छे से बफे थे, तो नहीं तो आपके थोड़ा टाइट हो तो इसे पीस लें या किसी से दबा लें। तो मेरे ये अच्छे से पके हैं, तो ये मेरे इसी से हो जाएंगे मिक्स। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से चला के अच्छे से दबा लें, नहीं तो आप गिलास की मदद से आप मिक्स कर सकते हैं, अगर आपके आलू थोड़ा सख्त हैं तो। तो देखिए मेरे आलू बहुत दुबले हुए थे तो इसलिए जल्दी से मिक्स हो गए हैं। हम इसे जब तक चलाते रहेंगे जब तक आलू बिल्कुल मिक्स ना हो जाए और अच्छा सा मिल ना जाए तब तक हम चलाएंगे। अभी देखिए बन के बिल्कुल हो गए रेडी। तो हमने गैस कर दी है ऑफ, तो ये बन के बंद हो कर दी हमने गैस को ऑफ कर दिया है। तो अभी हम डालेंगे कस्तूरी मेथी जो जी है, इसे हमने अच्छे मिक्स कर लिया हाथों से, ये डाल दिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारे यहाँ इसे चटनी बोलते हैं।